आ गए बड़े, तानाशाही नहीं चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। निकलो जाओ अंदर, आपकी बात खत्म है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रॉब्लम ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कोऑपरेट नहीं करती है सर। ADTC सर मेरे को कल कह रहे हैं कि आपका प्रोटोकॉल जो है सेरेमोनियल है, तो मैं चाहती हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आके मुझे जरा ये बताएं कि मेरा प्रोटोकॉल है कि मैं उसी हिसाब से काम करूँगी। डेवलपमेंट प्रोटोकॉल है, सेरेमोनियल है, क्या है, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है खासकर मेरे साथ कि मैं हूँ क्या यहाँ पर। दूसरी बात, जो ये सरपंचेस पंचेस ऑफिस में आते, इन लोगों के बेचारों की सुनवाई नहीं होती है, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे इनको बताना पड़ता मैं सरपंच हूँ या मैं पंच हूँ या क्या हूँ। तो सर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब कि डिस्कस यहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है इन्हीं से स्टार्ट हो रहा है सर, ग्रास रूट लेवल से ये शुरू हो रहा है। जब इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे सरपंचों की नहीं, BDC की नहीं, तो सर मेरी सुनवाई तो हो ही नहीं रही है, मैं तो तभी यहाँ बैठ। देखिए मैं इसीलिए खुद आया हूँ, मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ अंडर द लीगल फ्रेम। सर हम इल्लीगल कुछ मांग ही नहीं रहे, हम लीगली बोल रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हम वही चीज सुन सकते हैं, वही कर सकते हैं जो ला के प्रोविजन में। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ला के बाहर हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बैठ के बात करते हैं। अल्टीमेटली बात से ही होना है, जो मेरे पास में चीजें होंगी मैं करूंगा, जो ऊपर की होंगी मैं ऊपर लिख दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। मुझे मुझे कम से कम हम तक ये बात तो उनको पहुंचनी चाहिए ना कि हम लोग यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। देखे मैं बैठे हुए सुनो सुने ना, तो पता होना मैं वही कह रहा हूँ ना, जो आपके इशू मुझे पर्टेन नहीं करते होंगे गवर्नमेंट को करते होंगे, मैं गवर्नमेंट को लिख दूंगा उसमें, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी इसलिए। लेकिन बात तो बैठ के ही होगी ना, सड़क पे या बाहर बैठ के बात नहीं होगी ना। आप आए सभी आ जाओ, मीटिंग हॉल है वहाँ बैठते हैं, बात करते हैं। धरना नहीं था ये, मेरे जितने भी सरपंचेस पंचेस BDC इन सबका धरना था। अभी DC किश्तवाड़ यहाँ आए, उन्होंने हमसे कहा कि बात करते हैं जो भी हल निकलता है यहाँ से, और जो हल नहीं निकलेगा उसको हम ऊपर तक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सर कि ये जो हम लोगों को बनाया गया है, यहाँ पे बिठाया गया है, पहले तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो प्रोटोकॉल दिए गए, ये दिए क्या गए हैं। कल मुझे एक ऑफिसर कहता है कि आपका प्रोटोकॉल सिर्फ सेरेमोनियल है, मींस कि मुझे सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जाना है, झंडे को सलामी देनी है, उसके बाद मेरे को लगता है मेरे को अपना ऑफिस बंद रखना पड़ेगा जब तक अगली बार वो फिर से सेरेमनी आएगी। क्या मेरा प्रोटोकॉल सिर्फ इतना है, या मेरा प्रोटोकॉल ये है कि डेवलपमेंट वर्क जो ग्राउंड पे होंगे उनकी मैं पूरी भागीदारी लूंगी, मैं देखूंगी कहाँ कौन सा काम हो रहा, कौन सा इलीगल काम हो रहा, उसको मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये कैसे कर रहे हैं, उस पर मेरे को बताया जाता है। अगर मैं किसी भी ऑफिसर से कहती हूँ अगर आपने ये काम किया है मुझे कॉपी भेजिए, एक भी ऑफिसर टस से मस नहीं होता है। मतलब कि ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हूँ, मेरे साथ ये हाल है, तो एक सरपंच और एक पंच जो बेचारे वार्ड्स के, उनकी तो बात ही नहीं है। तो मैं, मेरा कोई ये पर्सनल प्रोटोकॉल की लड़ाई नहीं है, मैं पहले जैसे काम करती थी मैं बिना प्रोटोकॉल के भी कर सकती, बट मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का बनाया गया तो बनाया किस लिए गया है, मतलब सिर्फ जो बाहर से आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए ये चेयरपर्सन मैम है जी आप इनसे मिल लीजिए, बट जो हम अपने जो हमारे ग्राउंड पे जो काम नहीं हो रहे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, उस पर हम बात करें तो जीरो, उस पर कोई जवाब नहीं।
उस पे कोई काम नहीं, तो हमें बिठाया किस लिए गए हुआ है? अभी साल होने को टाइम है, बट मैंने पिछले दिनों भी जो पिछले कोई दो चार महीने भी प्रोटेस्ट किया था कंपनीज के लिए, हमारे लोकल यूथ जो है बेरोजगार फिर रहे हैं और वहां पे तानाशाही चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी तो हम रिक्रूटमेंट्स निकालेंगे, वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी तो हम अपग्रेडेशन करेंगे। अगर एक कंपनी प्राइवेट फॉर्म यहाँ काम कर रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाथ है उस चीज में? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग, या एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन्वॉल्व हो रही है उस चीज में? दूसरी बात, NHIDCL के GM को मैं कॉल करके बोलती हूँ कि आप लोग जो सड़क ले रहे हैं सिंगपुर के लिए, वहां के लोगों की 80% एग्रीकल्चर लैंड जा रही है। हम लोग बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं कि हम कौन सा वो रास्ता निकाले कि उनकी लैंड जो इतनी ना जाए, और वहां से मुझे GM साहब आंसर देते हैं। मैं तो नहीं आ सकता हूँ, DC से पूछना हूँ, अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आऊंगा। ये क्या है मतलब यहाँ भेजा? मैं कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं बैठी हूँ, और ना हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हमारा कोई पर्सनल काम करो। हम तो कह रहे हैं कि जो वो गरीब जनता जिन्होंने हमें वोट किया, 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर उतर के पैदल वो लोग बैलेट बॉक्सेस तक पहुंचे हैं और उन लोगों ने वोट किया, कम से कम हमारा फर्ज नहीं बनता है उन लोगों तक? दच्छा रोड जा रही है, कंपनसेशन लोगों को नहीं मिल रहा, कल से रोड बंद है, आंसरेबल कौन है? 10 बार DC को फोन करता है इंसान, 10 बार SDM से अप्रोच करता है इंसान, कोई हल ही नहीं है। मतलब इन लोगों को सिर्फ ऑफिस के अंदर जाना है, बैठना है, ब्लॉक दिवस है, जहां तक गाड़ी जा रही है वहां उतरना है, ये पता ही नहीं है कि पहाड़ी कितनी चढ़नी है, कितनी उतरती, वो है ही नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए अपनी टूर डायरीज में कि वेनेसडे हम यहां गए, सैटरडे हमने ये किया, बस बाकी ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं है। आपने अगर खत्म नहीं होगा तो हम फिर से बैठ जाएंगे, इसमें क्या है? हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये कोई पर्टिकुलर पूजा ठाकुर अपने लिए नहीं बैठी है, ये मैं अपने सरपंचेस, अपने पंचेस, अपने वार्ड मेंबर्स, अपने DD से, अपने BD से, हर एक के लिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो किसी भी जात का है, मैं सबके लिए यहाँ बैठी हूँ कि हम सबको अपने हक और हकूक मिलने चाहिए। ये हम लोगों ने कोई इन लोगों से लिए नहीं है, ये हमें अपनी जनता ने दिए हैं। किस बारे में था और क्या डिमांड? जो आज हमें यहाँ धरने पे बैठे थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरपंच और पंच और DDC मेंबर्स जो है इनकी बात नहीं सुन रहे, जो भी डिमांडें हैं वो पूरी नहीं होती हैं। इसलिए आज जो है DD चेयरपर्सन ने हमें सबको बुला के यहाँ एहतजाज शुरू किया, और इसी एहतजाज का मतलब यह है कि हमारे लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों का वो हल नहीं होती हैं, इसीलिए आज हमने जो एहतजाज यहाँ किया है। मैं पंचायत चिनगांवी ब्लॉक शात्रू से हूँ। आज मैं लजियाराम भी वार्ड नंबर 4 का पैंच हूँ। ये प्रोटेस्ट जो हमने यहाँ पे किया, ये हमारे जो चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी ने परसों कॉल की थी, तो इसलिए यहाँ पे हुआ। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो भी बात है वो नहीं सुनी जाती है। हम PHE जी के पास जाए वो कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, हम मतलब BDO के पास जाए वो कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। लोग हमें कहते हैं हमने आपको चुन के भेजा, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑफिसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं सुनता है। इसलिए हमने ये फैसला किया है, आज ये जो प्रोटेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी हमारी चेयरपर्सन बाद में फैसला करती है, चाहे इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करती है या इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया, हमने पूरा हक जो है वो चेयरपर्सन को दिया है। लेकिन हमने ये प्रोटेस्ट इसीलिए किया था कि हमारी आवाज़ जो है वो दबाई जाती है, हमारी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी बात वहाँ मानी नहीं जाती है। पिछले 2.5 साल से हम पेंच हैं, हम पेंचों को किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, हमें सिर्फ उस वक्त बुलाया जाता है जब फोटोग्राफ लेना हो, फोटो उठाना हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।